हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशि चेक। तो आज हम लोग बात करेंगे एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुई एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है नेक्ट। ये वेब सीरीज का रिव्यू करने के लिए मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था, हालांकि बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर है मेरे, तो इस वजह से मुझे इनकी बात माननी पड़ी। मैं आपको बता दूं कि मेरा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है एक एनिमे सीरीज के ऊपर जिसका नाम है अटैक ऑन टाइटन। इसका भी रिव्यू करने के लिए मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा है, तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में उसका रिव्यू करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल तो मैं आप लोगों से इतना बोलूं कि आप लोग भी मुझे अपनी तरह से रिकमेंड करिए कि आपको कौन सी सीरीज कौन सी मूवीज देखनी है, तो मैं उसका रिव्यू जरूर करूंगा। चलिए बात करते हैं इस सीरीज की। तो ये आपको एमएक्स प्लेयर पे देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको तकरीबन 10 एपिसोड देखने को मिलेंगे। हर एपिसोड की बात हो तकरीबन 17 मिनट से लेके 21 मिनट के बीच में। सीरीज की कहानी शुरू होती है आर्यवन सेज से, जिसने इस सीरीज में रोल प्ले किया इंस्पेक्टर सूरज का। इसमें कहानी यही बताई कि इंस्पेक्टर सूरज के सामने एक केस आता है। वो केस ये होता है कि इंडिया की मशहूर पोर्न स्टार उसके बॉयफ्रेंड का खून हो जाता है। वो खून किसने किया, बस यही पूरी सीरीज में बताया, यानी कि पूरे 10 एपिसोड में यही चीज बताया। लेकिन साथ साथ इसमें एक और अलग चीज डाली गई, वो ये है कि इंस्पेक्टर सूरज की शादी होने वाली, यानी कि वो जिससे प्यार करता है उससे उसकी शादी होने वाली। लेकिन जब नताशा पोर्न स्टार की उसकी लाइफ में एंट्री होती, तो वो अपने होने वाली वाइफ को भी धोखा देना शुरू कर देता, प्लस वो अपनी फैमिली से भी दूरियां बनाना स्टार्ट कर देता। बस ये एक अलग चीज इस सीरीज में डाल दी गई। उसके अलावा इस सीरीज में तो कुछ भी नया नहीं था जो मैंने पर्सनली पहले किसी फिल्म में या पहले किसी सीरीज में नहीं देखा था। और आप विक्रम भट्ट की सीरीज से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये मेरे हिसाब से एक एवरेज शो है, और आप लोग को देखना है तो आप लोग जरूर देखना, क्योंकि मुझे पर्सनली इसमें कुछ भी नई चीज या कुछ भी अलग हटके चीज नहीं लगी जो यहाँ पर बता सकूं। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि मेरा सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ। अगर आपको ये सीरीज देखनी तो आप इसे जरूर देखना, ये आपको एमएक्स प्ले पे मिल जाएगी। अगर परफॉर्मेंस की बात करूंगा तो परफॉर्मेंस मुझे सबका परफॉर्मेंस एवरेज ही लगा। सिर्फ आर्यवन सेठ की बात करूं तो उसने यहाँ पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया। अगर सुपर्णा कृष्णा की बात करूं तो उसका परफॉर्मेंस करने के लिए उसके पास यहाँ पर कुछ था भी नहीं, वो यहाँ पर पॉर्न स्टार का रोल प्ले करी। तो बस कुल मिला के ये सीरीज मेरे लिए एवरेज सीरीज है, मेरे लिए सिर्फ टाइम वेस्ट था। अगर आपको इस तरीके की सीरीज पसंद है तो आप देख सकते हो, ये एमएक्स प्लेयर पे आपको फ्री में देखने को मिल जाएगी। अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपने ऑलरेडी सीरीज देख चुकी है या नहीं देखना चाहते हो तो ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप जिन्होंने मुझे इस सीरीज का रिव्यू करने कहा था उनको अपना जॉब मिल गया होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। दिल से दुआ में याद रखना।